अगर आप बिहार और झारखंड से हैं तो आपने ताड़ के पेड़ से निकलने वाली ताड़ी के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे बिहार में शराब बंद होने के बाद नशे के लिए पिया जाता है। वहीं आज मैं आपको उत्तराखंड के जंगलों में लेकर आया हूं, जहां खजूर के पेड़ से निकलने वाली नीरा दिखाने वाला हूं, जिसे लोग एनर्जी ड्रिंक की तरह पीना पसंद करते हैं, जिसको पीने के अनगिनत फायदे भी होते हैं। और इसे पीने के बाद आप 150-200 रुपये में मिलने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों की एनर्जी ड्रिंक भी भूल जाएंगे। और अगर आज से पहले आपने पूरे इंटरनेट पे खजूर के पेड़ से नीरा निकालना नहीं देखा है तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, आपको जबरदस्त मजा आएगा। खजूर के पेड़ से नीरा निकालने के लिए सबसे पहले सारे मटकों को जंगलों तक लाया जाता है, फिर इन मटकों को एक एक करके खजूर के पेड़ के पास ले जाया जाएगा। और देखिए, भैया जी ने अपना मटका खूंटे की सहायता से पीछे की तरफ टांग लिया और बड़ी सावधानी पूर्वक इस पेड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, इतना खतरनाक काम होता है, अगर गलती से भैया का पैर फिसला तो सीधा नीचे धड़ाम से गिरेंगे। और देखिए, भैया जी ने अभी अभी एक डाल काटी है जिसको नीचे फेंका है। मैं आपको बता दूं, इस खजूर के पेड़ पे इतना खतरनाक काटा होता है कि अगर गलती से आपके पैर के अंदर घुस गया तो आपके खून के साथ नसों में चलता है और आपके दिल तक को डैमेज कर सकता है। अब मैं भी आपको ऊपर लेकर चलता हूं और पास से दिखाता हूं कि किस तरीके से सारा काम किया जाता है। ये देखिए, खजूर के पेड़ की जो डाल होती है इसको हल्का हल्का करके छीला जाता है और जिस तरीके से आपकी बॉडी से एक पसीना निकलता है, वैसे ही इससे भी एक रस निकलता रहता है, जिसको आप बड़े करीब से देख सकते हैं। और ये शाम के 4 बजे एक मटका लगाते हैं यहाँ पे और सुबह के 6 बजे निकालते हैं, और तब तक इस मटके में सारी नीरा इकट्ठी होती रहती है। अब एक बार मैं आपको करीब से दिखाता हूँ किस तरीके से एक एक बूंद रिसके इस मटके में इकट्ठा होता रहता है, जिसको सुबह 6 बजे आके निकाल लेते हैं, क्योंकि तब तक मटका पूरा भर जाता है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी भी देता हूँ कि खजूर के पेड़ 2 तरह के होते हैं, नर और मादा। मादा जो पेड़ होती है उस पर फल आता है और नर पर फल नहीं आता। और जो नर का जो रस होता है वो 2 से 2.5 लीटर निकलता है, जो बहुत गाढ़ा और बहुत मीठा होता है। वहीं मादा 5 से 6 लीटर एक बारी में रस निकालती है। ये देखिए, अपना रस भी सुबह के 6 बजे निकल के तैयार हो चुका है, जिसको भैया ने इकट्ठा कर लिया और दोबारा से उसी प्रोसेस के साथ अपनी पीठ के ऊपर टांग के ले आया। ये देखिए, अब भैया के साथ चलते हैं और इस रस को दिखाते हैं किस तरीके का रस दिखता है। थोड़ा थोड़ा सा सफ़ेद पन पे होता है और झाग भी बन जाते हैं, जिसको ये सुबह सुबह 5 बजे मंडी में जाके मार्केट में बेचते हैं और उसके बाद ये रेडियो पे बेचा जाता है 10-10 रुपए 15-15 रुपए गिलास में। भाई, अभी तक आपने तारी के अलावा नीरा बनाने तक की वीडियो देख ली होगी पूरी और आपको समझ आ गया किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। लगभग 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे में इतनी इकट्ठी हुई है और इसको टेस्ट करते हैं। बहुत मीठी है भाई, और जैसे मतलब ये समझ लो लीची का बिल्कुल जूस निकाल दिया और नारियल पानी के साथ मिक्स कर दिया है, बिल्कुल ऐसा स्वाद आ रहा है। मतलब खजूर का स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन खजूर के अलावा बहुत सारा स्वाद आ रहा है, बहुत बढ़िया है। और इसके कुछ अपने आयुर्वेदिक फायदे भी हैं जो यहाँ के भाई साहब बताएंगे। जैसे शुगर फ्री होता है, जैसे पीलिया होता है, जैसे सांस फूलता हो या खांसी हो बच्चे को, ये उसके लिए बहुत फायदा होता है। जैसे आदमी जब मर्दानगी कम हो जाती है, मर्दानगी की कमजोरी होती है, उसको भी कम करता है, पूरी करता है। और यहाँ पे जो भी लेबर यहाँ पे काम करती है, बहुत बारी उनके हाथों में गांठ पड़ जाती है। तो भैया, गांठ कैसे पड़ जाती है? ये छुरी से भाई साहब बहुत मेहनत का काम होता है, ये बहुत मुश्किल से होता है। छुरी छिलते हैं इस तरीके से पेड़ से, उससे गांठ बन जाती है, बहुत टाइट छिलता है पेड़। तो दोनों हाथों में गांठ है? ये दोनों हाथों में ना, ये दे दो। तो देखिए कितनी मोटी मोटी गांठ है भाई। मुझे तो खजूर की नीरा की वीडियो बना के बहुत मजा आया। अगर आपको वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों जरूर से शेयर करें।